नमस्कार मित्रों, मैं हूं एचएल और एचएल कौटिल्या क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे के नैतिक मुद्दों से प्रभावित होकर इन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन क्षेत्र में जोड़ा। लॉरेंस कोहलबर्ग 10 से 16 वर्ष के बालकों से लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके जीन पियाजे के नैतिक विकास को विस्तारित किया। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर तथा 6 चरण बताए। नंबर 1, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का प्रथम स्तर है। यह अवस्था 4 से 10 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें नैतिक तर्कड़ा दूसरों के मानकों से निर्धारित होती है। दूसरा, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा स्तर है। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे दूसरों के मानकों के अनुसार सही और गलत का निर्णय करते हैं। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की तीसरी एवं अंतिम स्तर है। इस स्तर की अवधि 13 वर्ष से ऊपर की होती है। इस स्तर पर बालक में नैतिक आचरण पूर्णतया नियंत्रण में होता है। हमारे वीडियोस को अगर पसंद आए, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मित्रों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।